Hi traders, this is Guru here. So once again, welcome back to our channel CPR Price Action Trading CPR by Guru. So बात करते हैं ओवरऑल आज का दिन मेरा कैसा गया. तो आज के दिन की बात करें जाए तो आज का दिन भी मेरा ओवरऑल ग्रीन में क्लोज हुआ है. सो अगर आप मेरा डेली परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो मैं अपने जो भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होते हैं मैं डेली अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट करता हूँ, प्लस अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट करता हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं. चलिए बात करते हैं कि आज के ट्रेडेबल एंट्रीज क्या बन सकते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में. जैसे कि आज मार्केट में एक न्यूज़ था, ठीक है, वो सीपीआई डेटा के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और गैप डाउन खोला. सो देखिए, जब भी कोई अनसर्टिनिटी हो मार्केट में, कोई न्यूज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ डर हो, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं पहले कैंडल को ट्रेड नहीं करता, मैं वेट करता हूँ. हमेशा मेरा ये रूल रहता है कि मैं पहले कैंडल को ट्रेड नहीं करूँ, तो मैं पहले कैंडल को वेट करता हूँ, देखता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है. सो अगर मैं आज बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो पहला ट्रेड लिया वो मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया. यहाँ पे रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पुट का ट्रेड क्यों लिया. आप यहाँ पे देखिए स्पॉट चार्ट में बैंक निफ्टी ने सीपीआर से रिजेक्शन लिया, प्लस आपका 9 and 20 ईएमए से रिजेक्शन लिया. सेम एज इट इज़ अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना तो ये कंटिन्यूसली ये जो आपका कॉल का 5 मिनट का हाई ब्रेक होना चाहिए, पुट में यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, ठीक है, आई एग्री कि पुट में यहाँ पे लो ब्रेक हुआ. अभी देखिए अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट को बढ़ना चाहिए, पुट को ना कि टूटना चाहिए. तो इस केस में अगर कॉल को मार्केट को ऊपर जाना तो कॉल को टूटना चाहिए, कॉल को बढ़ना चाहिए. तो इस केस में दोनों साइड ट्रेड नहीं हुआ. तो ट्रेड मैंने कब इनिशिएट किया, ट्रेड मैंने इनिशिएट किया यहाँ पे, जब मुझे यहाँ पे पता चला कि ये नीचे जो 920 ये सपोर्ट की तरह कर रही है और कंसोलिडेशन किया प्राइस ने, और जैसे इस प्राइस का ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे एंट्री की, और जो मेरा टारगेट था वो डे हाई था, तो मैंने यहाँ पे लगभग मुझे इस ट्रेड में लगभग 2300 से 2400 राउंड प्रॉफिट हुआ था, ठीक है. ये मेरा पहला ट्रेड था. सो आप यहाँ पे देखिए एक अच्छा ट्रेड था, आप एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा पुट का ट्रेड लिया जा सकता. आप इसको बोल सकते हो कि सीपीआर का रिजेक्शन था प्लस आपका 9 and 20 ईएमए का रिजेक्शन था, ठीक है. सेम एज इट इज़ इधर से रिजेक्शन मिल रहा है तो इधर से क्या हो रहा है, ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक बेस्ट ट्रेड है पुट साइड के जाने के लिए, ठीक है. और यही सेम चीज़ मैंने अपने आज टेलीग्राम पे भी डाली है रीज़न के साथ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ों से सीख सको. मैंने ये एंट्री जो जब मैंने लिया था तो पहले मैंने स्क्रीनशॉट डाला, ये मेरा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट था, उस टाइम लगभग मुझे 2300 रुपये का प्रॉफिट था. और उसके बाद ये जो मैंने एंट्री लिया और उस एंट्री के बाद मैंने रीज़न भी दिया और सारी चीज़ मैंने डाल दी थी. चलिए अभी जानते हैं कि उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में कॉल साइड का. रीज़न बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया. रीज़न क्या था कि यहाँ पे कॉल स्पॉट चार्ट आपका 920 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, प्लस पुट भी देखिए यहाँ पे क्या नीचे से, सॉरी, कॉल भी आपका नीचे से बॉटम बना के घूम रहा है और प्लस 920 की सपोर्ट लेने की कोशिश कर, जैसे इसने हाई निकाला मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था. लेकिन उसके मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये जो कॉल ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं डे हाई तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सडन स्पाइक आया तो इस वजह से मेरा असल चला गया, जिसमें मुझे 900 रुपये का लगभग लॉस हुआ था, ठीक है. उसके बाद फिर मैंने वेट किया थोड़ी देर. देखो अगर बड़ा कैंडल आया तो ये बड़े कैंडल का लो भी निकलना जरूरी है, तो बड़े कैंडल का लो नहीं निकला. सेम एज इट इज़ अगर पुट भाग रहा है तो बड़े कैंडल का हाई भी निकलना ज़रूरी है, नहीं निकला. तो इस केस में जब इसने दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके जब इसने 920 से रिजेक्शन लिया, देन अगेन मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे मैंने एंट्री किया, तो इसमें जो मेरा लगभग मेरा जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया और लगभग थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट भी किया, और इस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, ठीक है. सो सेम एज इट इज़ अगर मैं निफ्टी भी बात करूँ तो निफ्टी में भी अच्छा आज अच्छा दिन था. निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो तो निफ्टी में ज़्यादा अच्छा आपको पैसा बनता अगर कंपेयर टू बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में थोड़ा साइडवेज था बाद में, लेकिन निफ्टी में जो फॉल आया वो ज़्यादा अच्छा फॉल आया. निफ्टी में अगर आप ये एक ट्रेड पकड़ लेते, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन, आप इस चीज़ को एसएल लगाइए. यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, एसएल लगाइए, और पहला टारगेट है डे हाई, आपको डे हाई का टारगेट मिला, लेकिन इसने तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया. सेम एज इट इज़ पुट, अगर यहाँ पे ये टूट रहा है तो कॉल भी आपका टूटना चाहिए और पुट बढ़ना चाहिए, तो दिस वाज अ परफेक्ट एंट्री फॉर गोइंग है पुट ट्रेड इन निफ्टी. और सेम एज इट इज़ अ मॉर्निंग में भी एक पुट का ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है. आप ऐसा लगाए यहाँ पे ये एंट्री और आप टारगेट रहेगा डे हाई, ठीक है. सो ऑल दो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज़ थे. जो लोग थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जब प्राइस एक्शन को फॉलो करते, जब मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते, देन डेफिनेटली उन लोगों के लिए आज पैसा बनाना ईजी था. जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं डेफिनेटली आज उन लोगों ने लॉस किया होगा और पूरा दिन ओवर ट्रेड किया होगा, ठीक है.
मैं आपको वही चीज़ बोलता हूँ कि मैं बहुत सिंपल सेटअप रखता हूँ, मैं सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। सीपीआर को मैं लेवल्स के लिए यूज़ करता हूँ, ईएमए को मैं ट्रेंड को समझने के लिए यूज़ करता हूँ। बस ये दोनों चीज़ों का तड़का लगा के मैं ट्रेडिंग करता हूँ और डेली का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता है। सो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, ईजी है, बट इसके लिए आपको आइज ट्रेन करनी पड़ेंगी कि कैसे कब कहाँ पर ट्रेड लेना है, कब कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, आप ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। डेली ऐसे वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।